तो बच्चों हाउ टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस इन सच अ शॉर्ट टाइम पीरियड बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं इन 2019 आईआईटी नाइनटीन मेंस 24 टाइम्स हुआ था अब आप बोलोगे ट्वाइस हुआ था सर एक्चुअली दो बार हुआ था सिक्स डेज में टू डिफरेंट शिफ्ट में तो फॉर एनी टॉपिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज इन 2019 इन द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स टू थाउजेंड नाइनटीन में सिर्फ काइनेमेटिक्स में ट्वेंटी टू क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से पांच क्वेश्चन वन डी मोशन में थे चार रिलेटिव मोशन में दो ग्राफ्स पे तीन वेक्टर्स पे और आठ क्वेश्चन थे प्रोजेक्टाइल मोशन पे लेकिन इन आठ में से सिर्फ तीन क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे तीन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे थे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पे था और एक इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे भी था प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन पर भी था इसकी रेंज का फॉर्मूला याद है आपको प्रूफ आता है इसका ध्यान रखने वाली चीज है वन डी मोशन में एक क्वेश्चन एयर ड्रैग पे पूछा गया था एयर ड्रैग पे लास्ट कब किया था आपने क्वेश्चन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन थे रेसिंग कार्स पे थे पर रिलेटिव मोशन पे रिवर बोट पे दो प्रॉब्लम थे और ट्रेन के ऊपर वो जो अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आती है उस पर एक क्वेश्चन था अब अगर रिवर बोट पे दो क्वेश्चन लास्ट ईयर थे तो इस साल किस पे आएगा रेन मैन के ऊपर एक या दो क्वेश्चन आएंगे वेक्टर्स पे क्वेश्चंस बहुत इजी थे और ग्राफ्स पर भी बड़े इजी क्वेश्चन थे लेकिन जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये थी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे तीन क्वेश्चन आए थे और उनमें से एक भी क्वेश्चन इस इक्वेशन पर नहीं था जो इक्वेशन आप सब ने याद कर रखी है वाई इज इक्वल टू एक्सटैंडा माइनस दिस क्वेश्चन थे वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मेरे कहने का मतलब है आपको दो चीजों पर ध्यान देना है एक कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आए और दूसरा उस टॉपिक का नॉर्मल क्वेश्चन कौन सा है और उसका अब नॉर्मल यानी कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है अगर इस पर ध्यान दोगे तो बहुत ही आसानी से आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर पाओगे एक और एग्जांपल देता हूं एयर ड्रैक पर जो क्वेश्चन था अगर बॉल को डायरेक्टली ऊपर फेंकते हैं तो टाइम पीरियड टू यू बाई जी सबको कैलकुलेट करना आता है एक्सेलरेशन को माइनस जी लेके लेकिन अगर एयर ड्रैग लग जाता है तो बॉल सेम हाइट तक नहीं जाती उस केस में एक्सेलरेशन जी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है और इसको डीवी बाई डी टी से इक्वेट करके इंटीग्रेट करके टाइम निकालना पड़ता है तो मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा ध्यान दो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे आपको लास्ट वन ईयर में लास्ट ट्वेंटी ईयर से ज्यादा क्वेश्चन मिल गए हैं अगर आप अभी भी जज नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपकी गलती मानी जाएगी बच्चों ऑल इंडिया रैंक इंप्रूव करने के दो तरीके या तो आप 500 क्वेश्चन हर एक चैप्टर पे सॉल्व करो जिसमें आप बोर हो जाओगे आपके पास टाइम नहीं है या फिर थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो और जो मैंने टेन टॉपिक्स बताए इंपॉर्टेंट हर किसी पे कम से कम पांच क्वेश्चन सॉल्व करो समझ में आती है बात इस तरह से आप बहुत जल्दी एक या दो दिन में एक एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर पाओगे अगर 500 क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए तो बोर हो जाओगे और रिवीजन फिर से बीच में रुक जाएगा और अगर आप ये फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हो तो माई नेम इज अंशुल गुप्ता आई एम फ्रॉम आई आई टी रुड़की एंड आई एम स्टार्टिंग एन ऑसम क्रैश कोर्स फॉर यू गाइज लेकिन यह सिर्फ उनको रिक्वायरमेंट है जो ठीक से क्वेश्चन को नहीं ढूंढ पा रहे तो कॉल मी फॉर रैंक इंप्रूवमेंट बैच माई फोन नंबर इज नाइन फाइव सिक्स जीरो डबल एट थ्री नाइन फोर एट और मैं ऑनलाइन बैच इसी वीकेंड से शुरू कर दू